जब ये लीला खत्म होगा, जो लोग भारतीय विरुद्ध में अब है, चाहते हैं इसको इस्लाम कंट्री करने के लिए, वो आयदर खत्म हो जाएंगे या तो भाग जाएंगे। अच्छा, या तो भाग जाएंगे या फिर उनका विनाश हो जाएगा। जी, जो है बाकी जो चाहते हैं इंडिया में रहने के लिए, इंडिया को अपना देश मानते हैं, वो लोग रहेंगे। एंड लास्ट में तो भगवान बोले हैं कि सब एक धर्म, सब धर्म एक ही धर्म हो जाएगा, सनातन धर्म। सम धर्म ना कोई धर्म का हिंदू धर्म नाम रहेगा, ना सिख, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना क्रिश्चियन, ना कुछ नहीं रहेगा, बस एक ही धर्म बचेगा। एक ही धर्म नाम होगा, वो उसका नाम होगा सनातन धर्म। ये लोग सनातन धर्म में आ जाएंगे। जी जी, क्योंकि सब धर्म का जो मुख्य अंश है, सब मिला के एक धर्म बनेगा। कुरान में जो लिखा हुआ है सब खराब नहीं है, उसमें भी ब्रह्म दर्शन का बात हुए, इसमें बाइबल में भी ब्रह्म दर्शन का बात है, तो कोई उसको समझता नहीं, कोई मानता नहीं। जी जी, तो सब धर्म मिला के कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ना यू विल कम टू पूरी, तो पूरी आ जाएंगे, पूरी आके पूरी में जो जवान होंगे उसको खत्म करेंगे। अच्छा, जो जो पूरी मंदिर को अटैक करने के लिए जो आए होंगे उसको खत्म, उसमें उधर 7000 मुस्लिम सोल्जर्स विल बी किल्ड। पूरा संख्या के साथ लिखा गया है, 7000 सब खत्म हो जाएंगे। सुख में रहेंगे सर्वे सूरगण, जो भक्त लोग है वो सुख में रहेंगे उसके बाद। अच्छा, उसके बाद जो है जो जितने सारे भक्त हैं, भक्त लोग है वो सुख में रहेंगे, सुकून से रहेंगे। শেষ সনাতন মিলিব আসি মৌড় মণিকি থিব গরাশি, প্রকাশ হইব অদ্ভুত বীর রজসিং আসি নীলকন্দর, অপ্রবৃত বল থিব তাহার ব্যথ সংগারি উশ্বাসী হবার, ভক্তঙ্কু রক্ষিবে উদঙ্গ ঠার, ভুবন শূন্য হব ভয়ঙ্কর। উসকে বাদ পুরী শুনশান হয়ে যায়গা। শুনশান কি হোগা, क्यों हो जाएगा, महाप्रभु भगवान। उसके बाद वो लोग तो लेके चले जाएंगे ना भगवान जी को, तीन मूर्ति को लेके चले जाएंगे ना, तीन चार मूर्ति को, तो समुद्र आ जाएगा। तो मतलब सुनामी की बात कर रहे हैं, सुनामी पहला सुनामी। हाँ। तीन मेन सुनामी, बहुत तो सुनामी होंगे। ये अगर हम टाइमलाइन की बात करेंगे कि ये कब की बात है, ये होगा आपका जो 2026। तो श्री पुलिन बिहारी पंडा जी का ये मानना है कि जब पहला जो सुनामी आएगा, जो प्रलय हम बोलते हैं, ये 2026 में आएगा। मतलब जैसे कि ये जो प्रलय है वो तीन चरणों में होगा, 26 एंड या 27, 26 मतलब मैं आपको बोल दो एक बार, अप्रैल 26 से मार्च 27। अच्छा, अंक 26 अंक, 26 अंक। अच्छा, मतलब अप्रैल 26, 2026 से लेकर मार्च 2027 तक बीच में घटना होगा। हाँ, इसी बीच में घटना होगा। जैसे कि मालिका में ये लिखा गया है, तीन चरणों में होगा प्रलय। एक होगा आद्य लीला, मध्य लीला और अंतिम लीला। तो ये आद्य लीला की हम बात कर रहे हैं। हाँ, जी बताइए, फिर आगे बताइए। तीन लीला क्यों हो गए, पहले जो सुनामी आएगा जो 22 पावच है मंदिर का, उसको डुबा देगा। अच्छा, वो पहले चरण में, पहले चरण में उधर मीन खेलेंगे उधर। अच्छा, दूसरा बार जब आएगा वो रत्न सिंहासन को डुबा देगा, जहाँ बैठते हैं रत्न सिंहासन तक, रत्न सिंहासन डुबा देगा। तृतीय जो प्रलय महाप्रलय जो आएगा वो मंदिर को डुबा देगा, 300 फुट ऊंचे ऊंच का मैंने हाइट का आपका 300 लहर आएगा, 300 फीट की ऊंचाई पर लहर आएगा। यस, इटली आपका खंडगिरी का कुछ भुवनेश्वर में 20 फीट पानी होगा कम से कम, मतलब कंप्लीट भुवनेश्वर या फिर हाफ ऑफ द भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 20 फीट पानी होगा हर जगह, ज्यादा होगा कम नहीं होगा, 20 फीट मिनिमम 20 फीट पानी। ओ माय गॉड, एक बात बताइए, ये मतलब खाली आप उड़ीसा की बात कर रहे हैं या फिर हमारे देश में, हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेश में भी ऐसे ऐसे होगा जो प्रलय होगा, ये पूरा ईस्टर्न इंडिया को अफेक्ट करेगा। अच्छा, ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, उसको अफेक्ट करेगा पूरा। अच्छा,
मतलब आपका बांग्लादेश को भी अफेक्ट करेगा, उड़ीसा अफेक्ट होगा, आंध्र अफेक्ट होगा, तमिलनाडु अफेक्ट होगा, केरला अफेक्ट होगा, संभव केरला आल्सो। मतलब जितने पार्ट्स में समंदर को जो लगा हुआ है तो ये पूरा बेल्ट जो है, ईस्ट बेल्ट जो है खत्म है, मतलब अफेक्ट कर जाएगा। ओके ओके, ये आप जो बता रहे थे ये कौन सा ग्रंथ का नाम एक बार बताइए? ये मोहकल्प अच्युत का। अच्छा, श्री अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जिसका नाम है मोहकल्प। मोहकल्प से ये पंक्ति हमने लिए हैं, उसका आगे बताइए। उसके बाद क्या हो बोलता हूँ, 1858 मसीहा में बॉम्बे में एक संत जन्म लाभ किए थे, बॉम्बे में। उसका नाम है पारसी ज्योतिर्विद, वो है पारसी का साई ब्रह्म शाह, उसका नाम है साई ब्रह्म शाह, साहिब साहेब साहेब ब्रह्म शाह। जी जी जी, उसके वो किताब लिखे थे एन खासनामा। वो किताब में ये इसके बारे में लिखा है, उत्तरकल्प के बारे में। अच्छा, वो किताब में उत्तरकल्प के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर हमारे दर्शकों से हम ये जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक महाराष्ट्र से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुंबई से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बताइए ये जो जानकारी हमने दिए हैं क्या ये सही है, या फिर इसके मिलते जुलते आपके पास भी कुछ कुछ डाटा है क्या? अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। जी बताइए। उसके अनुसार तो दो प्रेडिक्शन किए थे भारत के बारे में, मेन प्रेडिक्शन, कि भारत 20वीं शताब्दी में दो भाग हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान हुआ। अच्छा, भारत। इसके बाद भारत में गणतंत्र शासन प्रतिष्ठित होगा, गणतंत्र शासन जो है डेमोक्रेटिक रूल। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हुआ 1950 में हुआ। उसको लिखा है तृतीय विश्व युद्ध आरंभ को भारत का गणतंत्र शासन घोषित कर दिया। अच्छा, डेमोक्रेसी विल कोलैप्स्ड। अब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो आ रहा है, वो था जब कम कम शुरू हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध जब आ रहा है तो शुरुआत में ही शुरू हो जाएगा, उसके बाद बाद गणतंत्र शासन खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, मार्शल लॉ चालू होगा ना, वार होने तो मार्शल लॉ हो जाएगा, गणतंत्र रहेगा नहीं, पीपल विल रिवोल्ट, ये हिंदू मुस्लिम की राइट्स चालू हो जाएगा कुछ जोर शोर से, तो उसको तो बिना मार्शल लॉ में संभव नहीं है उसको कंट्रोल करना, तो वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मुस्लिम लोग जो चाहते हैं कि इंडिया मुस्लिम बने, कि इंडिया ख़त्म हो जाए, वो लोग करेंगे। जी, करने से इंडिया का जो मेन फोर्स है, कुछ फोर्स पुलिस फोर्स वो जो है वो सब इसमें एंगेज हो जाएंगे। अच्छा, जैसे आपका CRPF है, बड़ा सिक्योरिटी फोर्स है, BSF है, ये लोग थोड़ा पार्ट भी इधर एंगेज करना पड़ेगा स्टेट संभालने के लिए। अच्छा अच्छा, तो अपना उधर बॉर्डर में कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो अंतरिक्ष जो एनिमीज जो एक्टिव हो जाएंगे, मैं बोला ना आपको कंट्रोल करने के लिए, जितना बार अपना इंडिपेंडेंस खत्म यूज किया है सब अंतरिक्ष सब जयद्रथ के लिए, विभिन्न टाइम में विभिन्न जयद्रथ आ गया, अलग अलग टाइम में अलग 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 जयद्रथ हुए, वो लोग अपना देश का विरोध में जाके विदेश लोग आके इलाके भर्ती कर दिया। अच्छा, वो लोग जो है हमारे जो शत्रु हैं उनको रास्ता दिखाएंगे, बस ये रास्ता है अंदर घुस जाओ, बस बस दे विल डू व्हाट, जहाँ जो बांग्लादेशी लोग ये थे बांग्लादेश वार में भारत सेना के लिए, वो लोग वही करेंगे उन सेना के लिए, और वो लोग ये जो अभी जो हिंदू मुस्लिम राइट चालू हो गया ऑलमोस्ट विभिन्न जगह में, वो इसलिए करते हैं कि इधर चालू होने से वहाँ से अटैक होगा। आज देखिए ये ब्लिंकन अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर क्या बोला है, भारत में मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होता है, क्रिश्चियन के ऊपर अत्याचार होता है, ये बोला है वो। कंट्रोवर्सी, अत्याचार मतलब तो मारते हैं कश्मीर में एंटी नेशनल को मारते हैं, पाकिस्तानी नागरिक को मारते हैं उधर, वो क्या इस्लाम के अगेंस्ट में है? ये लोग अभी तक उन लोग का दिल में पाकिस्तान प्रेम है, पाकिस्तान के प्रति प्रेम है। इट इज वेरी हाई टाइम फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर टू टेल देम आइदर यू सपोर्ट अस फुल्ली और लीव अस एंड सपोर्ट पाकिस्तान, इट वेरी हाई टाइम, लेट देम नो दैट वी कैन बी एलोन, कोई सुविधा होगा नहीं अपना, हम रहेंगे एक अकेला, कोई बात नहीं।
अरे 140 करोड़ आदमी है, अब कौन मार देगा सिखा के हमको? एक को दस दस की बात है, बस एकता की बात है, अगर एकता बनी रहे तो कोई हमारे बाल बांक नहीं। देख को दस दस घर गिर लेंगे। हाँ ये तो फैक्ट है। खत्म कितना आएंगे तो करवट को बदलने में देर थोड़ी लगती है। ये क्या क्या रखे क्या, ये चीना सैन्य वो लिखा है, चाइना सैन्य आए उत्तर से आएंगे, आके उत्तर भारत में बहुत हिंदुओं को मार देंगे वो लोग। अच्छा आक्रमण करेंगे मुस्लिम्स और बहुत हिंदू लोगों को मार देंगे, मार के दिल्ली कैप्चर कर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। दिल्ली कैप्चर करने के बाद उसके बाद ये जो मेवाड़ का जो राजपूत है उसका घर मेवाड़ में होगा, राजपूत होगा। हाँ, हाँ। वो आएंगे राजपूत मेवाड़ से केरला, राजस्थान से केरला आएंगे, आके इधर उनका अरेंजमेंट करेंगे। उनका नाम क्या कुछ होगा, कुछ लिखा गया है? नाम कुछ लिखा नहीं, उसका नाम लिखा है आपका ये भर्तृहरि। भर्तृहरि माने क्या बोलता है, पौराणिक नाम है राजस्थान का। अच्छा अच्छा। उसको वही लिखा हो भर्तृहरि के, सबको रक्षा करता सबका। अच्छा अच्छा। हिंदुओं का रक्षा करता है, इस हिसाब से लिखा है उसको। रखवाला बन क्या है, ये पॉपुलर नेम है राजस्थान, बहुत पॉपुलर है नाम। वो आके केरल में सैन्य को इकट्ठा करेगा और ये चाइना सेना को उधर से निकलना है। हाँ, चाइना सेना और मुस्लिम सेना। अच्छा, दोनों को उधर से खत्म कर जाएगा। और एक बात बोलता हूँ, सिंगल चाइनीज सोल्डर, एक सिंगल चाइनीज सैन्य भारत से बाहर नहीं जा पाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे इधर। अच्छा, जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा पाएंगे। मतलब आपका ये मानना है कि जो चाइना के जो सैन्य हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो भारत के अंदर आए होंगे वो बाहर नहीं जा पाएंगे, उनका फिर नामोनिशान मिल जाएगा हमेशा के लिए।